चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। इसके अंदर हम यूनिट सेकंड में बात करेंगे रेनाल सिस्टम के जो भी डिजीजेज है उसके बारे में, जो कि है एक्यूट रेनाल फेलियर और क्रॉनिक रेनाल फेलियर के बारे में। इसकी हम इटियोलॉजी पढ़ेंगे, इसके पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, साइंस और सिम्टम्स पढ़ेंगे, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके जो नोट्स हैं वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट रेनाल फेलियर की। तो एक्यूट रेनाल फेलियर जो है ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो कि एसोसिएटेड होता है, इसके अंदर जो रेनाल फंक्शन होता है उसका एक्यूट सप्रेशन हो जाता है, मतलब रेनाल जो फंक्शन करती है उसका कम हो जाता है, कम फंक्शन वो जो है करती है। उसके बाद में कुछ सीवियर ओलिग्यूरिया भी इसमें हो सकता है, एन्यूरिया भी हो सकता है रिवर्सिबल वे में। अब ये जो दो टर्म्स है वो क्या, ओलिग्यूरिया जो है वो डिफाइन होता है कि इसके अंदर रेनाल आउटपुट जो है वो 500 ml से भी कम जो है वो होता है 24 आवर्स में एडल्ट्स के अंदर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से। उसके बाद में एन्यूरिया टर्म के मतलब है कि इसके अंदर यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है किडनीज के द्वारा 12 आवर्स के भी, मतलब 12 आवर्स के अंदर, या फिर 100 ml से भी कम जो है वो 100 यूरिन जो है वो प्रोडक्शन होता है इसके अंदर 24 आवर्स में एडल्ट के अंदर। इसके बाद में हम इसकी इटियोलॉजी या फिर कॉज की बात करें तो इसके अंदर प्री रेनाल कॉजेज है ऑर्गेनिक वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, या फिर बायलेटरल रेनाल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन थ्रोम्बोसिस के कारण, एम्बोलिज्म के कारण या कंप्रेशन के कारण। उसके बाद में है शॉक। और रेनाल कॉजेज के बारे में बात करें तो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, सीवियर ग्लोमरुलर डिजीज, एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और मैसिव पाइलोनेफ्राइटिस एग्जांपल, पैपिलरी नेक्रोसिस। उसके बाद में पोस्ट रेनाल कॉजेज के बारे में बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी ट्यूमर्स के द्वारा या फिर ब्लड क्लॉट्स के द्वारा। और दूसरा है डिसऑर्डर्स जो कि क्लॉटिंग करते हैं किडनी ब्लड वेसल्स के अंदर। और तीसरा है कि इन्फेक्शन जो कि डायरेक्टली किडनी को इंजर करते हैं, जैसे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस या फिर सेप्टिसेमिया। उसके बाद में यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज के कारण भी होता है, इलिसिट ड्रग्स जैसे कोकेन और हीरोइन, और उसके बाद में मेडिसिंस जिसमें आती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव, इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट और कुछ कैंसर और एचआईवी ड्रग्स, तो इन सब के कारण भी जो है वो हो सकता है। इसके बाद में हम डायग्राम में देखें कि ये जो है वो इस तरह का इसमें एक डायग्राम होता है इस पूरे रेनाल सिस्टम का। और इसके अंदर हम सिंपली अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, प्री रेनाल, इंट्रा रेनाल और पोस्ट रेनाल, तो इसमें भी हम जो है वो कॉजेज़ इसमें देख सकते हैं सिंपली। तो ये जो है वो हम कोई भी कॉजेज लिख सकते हैं नॉर्मली, जो भी हमें याद हो जाए आसानी से, तो ये जो है वो थोड़ा इजी है। तो प्री रेनाल में अगर हम कॉजेज देखें तो सडन या फिर सीवियर, प्री रेनाल मतलब किडनी के पहले जो भी ऑर्गन होता है उसमें क्या क्या जो है खराबी हो सकती है, कॉज हो सकता है। तो फर्स्ट है कि प्री रेनाल के अंदर सडन या फिर सीवियर ड्रॉप हो जाता है ब्लड प्रेशर में, या फिर ब्लड फ्लो में इंटरप्शन हो जाता है किडनीज के अंदर जो होने वाला होता है सीवियर इंजरी या फिर इलनेस के कारण। इसके बाद में सेकेंड है इंट्रा रेनाल, तो किडनी के अंदर क्या होता है डायरेक्ट इसमें डैमेज हो जाता है किडनीज में इन्फ्लामेशन के कारण, टॉक्सिन ड्रग्स के कारण और इन्फेक्शन के कारण, या फिर रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई के कारण। इसके बाद में पोस्ट रेनाल की बात करें, किडनी के बाद क्या क्या होता है इसमें कॉम्प्लिकेशन, तो सडन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है यूरिन फ्लो में एनलार्ज्ड प्रोस्टेट के कारण, किडनी स्टोन्स के कारण, ब्लैडर ट्यूमर के कारण या फिर इंजरी के कारण, तो ये सब जो है इसके कॉज होते हैं। इसके बाद में हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस जो है वो जनरली एक्यूट रेनाल फेलियर और क्रॉनिक रेनाल फेलियर की जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो हम इसके अंदर इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ लेंगे। तो इसमें है कि फेलियर हो जाता है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन का, किन किन वजहों से, डिक्रीज हो जाता है रेनाल परफ्यूजन और परसिस्टेंट प्री ग्लोमरुलर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, डिस्ट्रक्शन हो जाता है ट्यूबुलर इंटीग्रिटी का, ट्यूबुलर बैक लीक फ्लो हो जाता है इसलिए, और मतलब बैक फ्लो हो जाता है इंटरस्टिशियम में इसकी वजह से। इसके बाद में है नेक्स्ट पैथोजेनेसिस में ग्लोमरुलर डिसफंक्शन हो जाता है और ट्यूबुलर डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब ग्लोमरुलर सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि एज द मेन फंक्शन जो ग्लोमरुलाई का होता है वो होता है फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमरुलर डिसफंक्शन जो है उसकी वजह से जो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है वो कम हो जाती है और रिटेंशन हो जाता है उन सब्सटेंसेस का जो कि उस फिल्ट्रेशन से जो है वो क्लियर होने वाले होते हैं, इंक्लूड कर मतलब वाटर के साथ में।
तो इसके इस तरह से जो है वो इसका फंक्शन नहीं हो पाता। इसके बाद में है नेक्स्ट ट्यूब्यूलर डिसफंक्शन। एज द मेन फंक्शन, जो ट्यूब्यूल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रीअब्सॉर्प्शन। तो ट्यूब्यूलर फेलियर जो होता है उसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम्स में जो है वो डाइल्यूट यूरिन जो है वो रह जाता है, मतलब उसकी वजह से पॉलीयूरिया हो जाता है लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोसाइट्स और न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद में इसके हम साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो डिक्रीज्ड किडनी फंक्शन जो है सही से नहीं होता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लड आता है यूरिन में, यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिटेक्टेबल अबनॉर्मल मास हो जाता है और पेल स्किन हो जाती है, पोअर एपिटाइट हो जाती है और टैकीकार्डिया हो जाता है हाइपोटेंशन के कारण, ऑलिग्यूरिया हो जाता है डिक्रीज्ड ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट की वजह से, और सीजर्स और कोमा भी जो है वो सीवियर केसेस में हो सकते हैं कॉन्शियसनेस के अल्टर होने की वजह से, और एडिमा भी हो सकता है फ्लूइड रिटेंशन से रिलेटेड। इसके बाद में इसके डायग्नोसिस, इसके हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, तो डायग्नोसिस में फर्स्ट है हिस्ट्री देखते हैं पेशेंट की, और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जैसे पेरिफेरल इडीमा का, अगर वॉल्यूम ओवरलोड प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी रेल्स का जो है फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, एलिवेटेड राइट आर्टेरियल प्रेशर जो है उसमें नापा जाता है, और यूरिन एनालिसिस किया जाता है, रेनाल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, रेनाल का स्कैन किया जाता है, सिटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई स्कैन किया जाता है, और यूरिन जो है उसका एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर, और बायोप्सी भी जो है वो डायग्नोसिस में आते हैं। इसके बाद में इसके हम मेडिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का बैलेंस जो है वो हम बनाते हैं और डिहाइड्रेशन को करेक्ट करते हैं, और दूसरे जो बॉडी सिस्टम्स होते हैं उनको सही से वर्क करने के लिए हम देखते हैं कि वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और टैबलेट्स देते हैं जैसे फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड और इथोक्राइनिक एसिड, ये सब ड्रग्स जो हैं वो दी जाती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और डायलिसिस होता है। इसके बाद में न्यूट्रिशनल थेरेपी में अगर हम देखें तो प्रोटीन डाइट जो है वो प्रोवाइड की जाती है और कैलोरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो दी जाती है और पूरी की जाती है हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स के द्वारा, और फूड और फ्लूइड कंटेनिंग जो पोटेशियम या फॉस्फोरस होते हैं इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, मतलब इनको रोका जाता है खाने से, और पेशेंट जो है उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन भी जो है वो देना पड़ता है। है क्रॉनिक रेनाल फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक रेनाल फेलियर, जो कि एक प्रोग्रेसिव लॉस होता है किडनी के फंक्शन का ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स या फिर इयर्स में, और क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है वे आइडेंटिफाई की जाती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है क्रिएटिनिन का जो कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है मसल मेटाबॉलिज्म का, और जब हायर लेवल्स ऑफ क्रिएटिनिन जो है वो पाए जाते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो चुका है, और एज ए रिजल्ट जो किडनीज की जो कैपेबिलिटी है वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने की वो जो है कम हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है वो 5 स्टेजेस आती है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है जो किडनी डैमेज जो होता है वो नॉर्मल या फिर इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वजह से होता है, जिसके अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 90 ml पर मिनट पर 1.73 पर मीटर स्क्वायर से जो है वो ज़्यादा होता है इसमें। इसके बाद में स्टेज 2 की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा ही रिडक्शन होता है, माइल्ड रिडक्शन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में, तो इसके अंदर 60 to 89 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर के जो है बीच में होता है इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसके बाद में स्टेज 3A की बात करें तो इसके अंदर मॉडरेट रिडक्शन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का और 45 to 59 की रेंज में होता है। इसके बाद में स्टेज 3B की बात करें तो इसके अंदर मॉडरेट रिडक्शन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का और इसके अंदर 30 to 44 की रेंज में रहता है। इसके बाद में करें तो इसके अंदर सीवियर रिडक्शन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कम हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और इसके अंदर रेंज होती है 15 to 29। इसके बाद में स्टेज 5 की बात करें तो इसके अंदर किडनी फेलियर हो जाता है बिल्कुल, तो इसके अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 15 भी कम हो जाता है, 15 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर से भी कम हो जाता है, और या फिर डायलिसिस होता है इसका। इसके बाद में हम इटियोलॉजी की बात करें इसके क्रॉनिक रेनाल फेलियर की, तो क्रॉनिक रेनाल डिजीज़ जो है ये कंडीशन या फिर डिजीज़ है जो कि किडनी फंक्शन जो होता है उसको ख़राब कर देती है,
और उसकी वजह से किडनी जो है वो उसको डैमेज हो जाता है, और ये जो है वो महीनों में और सालों में जो है वो ज़्यादा, जैसे ही महीने साल बीतते हैं वैसे ही जो है वो वर्स हो जाता है कंडीशन, और कंडीशंस और डिजीज़ जो कि कॉमनली कॉज करती है क्रॉनिक रेनल डिजीज़ उसमें आती है। फर्स्ट जो है टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उससे भी क्रॉनिक रेनल डिजीज़ हो सकती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ से भी क्रॉनिक रेनल डिजीज़ हो सकती है। इसके बाद में है इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस जो है वो भी कॉज कर सकता है क्रॉनिक रेनल डिजीज़। किडनीज़ की जो ट्यूब्यूल्स होती है और सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है इसके अंदर। इसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी एक रीज़न हो सकता है इसका, और क्रॉनिक रेनल डिजीज़ जो है ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस से भी हो सकती है। फिल्टरिंग यूनिट्स जो होती है किडनी की उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद में है यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसका प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन होना, जैसे इन कंडीशंस की वजह से जैसे किडनी स्टोन्स, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट या फिर कुछ कैंसर्स। इसके बाद में साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट्स जो होते हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है उसके अंदर जैसे जो स्टेज में होता है 1-3 स्टेज में होते हैं वो जनरली एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब उनमें कोई भी सिम्टम्स एज पर देखने को नहीं मिलते हैं। और टिपिकली ये जो है वो 4-5 स्टेजेस में देखने को मिलते हैं सिम्टम्स, जो कि होते हैं एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स या फिर डिस्टर्बेंस हो जाते हैं वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, जो कि क्लिनिकली जो है वो उन्हें ट्रीट करना होता है। तो साइंस जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के होते हैं 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में वो आते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है या फिर लीन बॉडी मास जो है उसका कम हो होना या मसल वीकनेस होना। उसके बाद में साइंस है पेरिफेरल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंशन, रिड्यूस्ड एक्सरसाइज कैपेसिटी या फिर इम्पेयर्ड कॉग्निटिव या इम्यून फंक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ का रिड्यूस होना, और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का जो है डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे जो इसके साइंस और सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद में इसके हम डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, रूटीन लैब मेजरमेंट्स किए जाते हैं BUN के, सीरम क्रिएटिनिन के, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के, हीमोटोक्रिट और हेमोग्लोबिन लेवल्स के, यूरिन एनालिसिस होता है, यूरिन कल्चर होता है। इसके बाद में हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं रिवर्सिबल रेनल डिजीज़ का, रेनल अल्ट्रासाउंड से, रेनल स्कैन से, सिटी स्कैन से, रेनल बायोप्सी के द्वारा। इसके बाद में इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में देखें एंटी हाइपरटेंसिव दी जाती है। इसका गोल होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहे या फिर वहीं पे रहे 130/80 mmHg के। उसके बाद में AC इनहिबिटर्स इसमें दी जाती है या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दिए जाते हैं इसमें। इसके बाद में कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स भी दिए जाते हैं, डायूरेटिक्स और आयनोट्रॉपिक एजेंट्स, एंटासिड्स दिए जाते हैं, फॉस्फोरस बाइंडिंग एंटासिड्स जो होते हैं वो, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट और डायलिसिस दिए जाते हैं, और एनीमिया में भी जो है वो एनीमिया की भी जो है वो दी जाती है एराइथ्रोपोएटिन, और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल किया जाता है ट्रीटमेंट में, और सीजर्स में जो है वो एंटी सीजर एजेंट्स दिए जाते हैं, सेफ्टी मेजर्स भी दिए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके बाद में हाइपर पैराथायरॉयड में पैराथायरोडेक्टोमी दी जाती है। इसके बाद में बॉडी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या दिया जाता है, मेडिकेशंस दी जाती है, डाइट को मैनेज किया जाता है, रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी जो है की जाती है जैसे डायलिसिस और रेनल ट्रांसप्लांटेशन। इसके बाद में डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें तो खाने पीने में क्या क्या मैनेज किया जाता है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, जैसे प्रोटीन इनटेक जो है उसको कम दिया जाता है, उसको बोला जाता है कम इनटेक हो, जो कि जिससे कि क्रॉनिक जो किडनी डिजीज़ है उसका प्रोग्रेशन जो है वो कम हो। और अगर प्रोटीन जो है वो अलाउ किया जाता है तो वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का होता है। इसके बाद में सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन भी जो है वो किया जाता है, 4-6 ग्राम्स पर डे ही जो है वहाँ तक ही लिमिटेड दिया जाता है सॉल्ट, फ्लूइड रिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद में फ्लूइड इनटेक भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन भी होता है, हाई लेवल्स ऑफ पोटेशियम जो है उससे नॉर्मल हार्ट रिदम्स हो जाती है, क्योंकि एग्जांपल्स जो कि फूड्स हाई होते हैं पोटेशियम जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें आते हैं बनानास, ऑरेंजेस, नट्स और पोटैटोज। इसके बाद में फॉस्फोरस रेस्ट्रिक्शन भी करना पड़ता है, जो फॉस्फोरस इनटेक होता है वो कम जो है वो दिया जाता है बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एग्स, बीन्स, कोला ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये एग्जांपल्स हैं जिसमें फॉस्फोरस जो है वो हाई अमाउंट में होता है, और हाई कैलोरी डाइट दी जाती है और विटामिन सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। सो गाइस, ये थे पैथोफिजियोलॉजी एक्यूट रेनल फेलियर और क्रॉनिक रेनल फेलियर की। सो इससे जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़।